नोएडा में पिछले 3 दिनों से सुर्खियों में रहे श्रीकांत त्यागी के हम इस वक्त घर पर मौजूद हैं, जो उनका बंगेल का आवास था, जहां उनकी मार्केट है। उनके फैमिली फ्रेंड हैं एक शिराजुद्दीन साहब। आपसे जानना चाहेंगे कि श्रीकांत त्यागी यहां कब से रह रहे थे, और आखिर जो ये बात कही जा रही है कि उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया, तमाम तरीके से जो है गनर्स का इस्तेमाल किया रौब दिखाने के लिए, क्या स्थिति थी? आप तो बड़े नज़दीक से देखे होंगे उन्हें। जब वो राजनीति में आ गए थे, तो राजनीति में आने के बाद में तुम्हें पता है प्रतिनिधि भी होते हैं, इनके इन पर एक बार हमला हो गया, इनका कार एक्सीडेंट हो गया था, तो इन्हें लगा कि मेरा किसी ने कार एक्सीडेंट कराया गया है, तो इन्होंने सरकार से फिर मांग करी कि मुझे गनर प्रोवाइड कराए जाएँ। तो स्वामी सरकार की बात है, ये बीजेपी सरकार की बात है। हाँ, जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी बीजेपी में आए थे, तो पहले ये बीएसपी में थे, तो स्वामी प्रसाद मौर्य के टच में रहते थे, उनसे इनके अच्छे संबंध थे। जैसे ही वो बीजेपी में आए, तो ये भी अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में पहुंच गए। बीजेपी में जाने के बाद इनका कार एक्सीडेंट हुआ, बहुत खतरनाक, लखनऊ के अंदर, और वहाँ से इन्हें एयर इंडिया की एम्बुलेंस से दिल्ली लाया गया, और इनकी काफ़ी सीरियस हालत थी। जब बच गए, तो इन्होंने फिर रिपोर्ट वगैरह दी कि मेरी जान को खतरा है, तो इन्हें गनर प्रोवाइड कराए गए। श्रीकांत त्यागी के खिलाफ कई सारे मुकदमे दर्ज हैं, लंगड़ा त्यागी भी कहते हैं, आखिर क्यों लंगड़ा त्यागी? लंगड़ा त्यागी तो हमने कभी सुना नहीं, ना ये लंगड़े हैं। नहीं, कितने मुकदमे हैं उनके खिलाफ? 2-4 लड़ाई झगड़े के मुकदमे हैं। स्कूल टाइम ये हम मार्केट देख रहे हैं, यहाँ बड़े मार्केट भी है, धर्मकांटा भी है, मेन रोड पर ही है, तो इससे भी तो अच्छी खासी एक अर्जित होती होगी संपत्ति। ये दादा लाही प्रॉपर्टी है इनकी, इसमें कोई इन्होंने खरीदी नहीं है। इनके जो डैडी थे, वो 4 भाई थे, और 4 में से 2 एक्सपायर हो गए, 2 बचे हैं, और तीसरे जो इनका चचा है, उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो उनकी थोड़ी हालत नाजुक रहती है। यही देखते हैं हम सारा कारोबार। वीडियो तो आपने भी देखा होगा, सोसाइटी का महिला के साथ जो इन्होंने बदतमीजी की। जी जी, तो लगता है कि अफसोस है आप लोगों को है। हाँ, इस बात की खासी एक अर्जित होती होगी संपत्ति। ये दादा लाही प्रॉपर्टी है इनकी, इसमें कोई इन्होंने खरीदी नहीं है। इनके जो डैडी थे, वो 4 भाई थे, और 4 में से 2 एक्सपायर हो गए, 2 बचे हैं, और तीसरे जो इनका चचा है, उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो उनकी थोड़ी हालत नाजुक रहती है। यही देखते हैं हम सारा कारोबार। वीडियो तो आपने भी देखा होगा, सोसाइटी का महिला के साथ जो इन्होंने बदतमीजी की। जी जी, तो लगता है कि अफसोस है आप लोगों को है। हाँ, इस बात। हाँ, का गलत किया उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, ये अफसोस की बात है किसी भी महिला के लिए। किसी भी महिला के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना बहुत गलत बात है। हम समाज में रहते हैं, हमारी माता बहनें भी हैं, इसका हमें बहुत ज़्यादा अफसोस है और बहुत ज़्यादा फील है, और इसकी सजा इन्हें मिलेगी भी। ये हमारे साथ फैमिली के नज़दीकी थे, जो बता रहे थे कि किस तरीके से श्रीकांत त्यागी पहले यहाँ रहा करते थे, उसके बाद इन्होंने ओमेक्स का रास्ता अख्तियार किया, लेकिन जो वीडियो सामने आया उसके ऊपर भी इन्होंने साफ कहा है कि गलत है, महिला के साथ इस तरीके का रवैया किसी से भी बर्दाश्त, किसी तौर पर भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ में लोकेश राय, 12 समाचार, नोएडा।